बहुत एक्शन पैक शेड्यूल है, लगभग 25 जगह और देखनी है। तो ये स्पेशल टिप मेरी तरफ से आज के दिन की। अब हम जाएंगे पत्थरों के नीचे से, इसके अंदर वाले पोर्शन में हम लोग बैठेंगे। यहाँ पे बहुत सारे वर्लपूल यानी जिसको भंवरे बोलते हैं ना पानी के, वो यहाँ पर हो जाते हैं। 1001 शिवलिंग इस नदी के तीर पर। जब भी आप यहाँ पे चलोगे तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। हम अब ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं कि जहाँ से आपको हम दिखाएंगे, पुराने ज़माने में अगर ये इतना बड़ा पत्थर तोड़ना है तो ये कैसे तोड़ा जाता था। अब जाएंगे हम इस गुफा के अंदर से। चक्कर आ रही है? नहीं, मुझे नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। अब बजे हैं सुबह के 8। तो आज हमारा हम्पी में दूसरा दिन है और अब जा रहे हैं हम अंदर हम्पी के उस एरिया में। सबसे पहले तो हम लोग बोटिंग करेंगे और उसके बाद हम बाकी सारे सुंदर सुंदर मंदिर एक्सप्लोर करेंगे। चलिए फिर, बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में अंत तक। आप यहाँ पर आ गए हैं, हमने डिसाइड किया नाश्ता तो नहीं करेंगे, बिल्कुल टाइम नहीं है, तो फिर हमने सोचा चलो चाय ही पी ले। नानजुंडा जी आज हमारे साथ वापस एक बार जुड़ गए हैं और बहुत एक्शन पैक शेड्यूल है, लगभग 25 जगह और देखनी है, लेकिन पता नहीं कैसे ये मैनेज करने वाले हैं हमें। हम तो बहुत मुश्किल लोग हैं, पता नहीं ये कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन अब तो पहले तो हम लोग चाय पियेंगे और यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए पीछे। अब थोड़ा सा हेजी है यहाँ पर, बहुत अच्छा एक मंदिर और बड़े बड़े पत्थर। यार कैसे आए रहेंगे ये पत्थर यहाँ पे, समझ में नहीं आता है कभी कभी कि ये क्या हुआ होगा उस टाइम कि जिसकी वजह से इतने पत्थर यहाँ पे इतने बड़े बड़े आ गए हैं। तो चलिए फिर चाय पीने के बाद इमीडिएटली निकलते हैं आज का दिन एक्सप्लोर करने के लिए। पहले तो हम लोग जाएंगे बोटिंग के लिए। थोड़ा सा हम लोग शॉर्टकट से जा रहे हैं बोटिंग के लिए। तो ये नाचुंडा जी जो है, इन्हें सारे रास्ते पता है, जर्मी यहाँ का है उनका, तो बहुत टाइम बचा है इन्होंने हमारा। आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, हमने डिसाइड किया था कि हम कोई गाइड नहीं लेंगे, लेकिन सच बताओ गाइड लीजिए, क्योंकि बहुत फ़ायदा होगा आपका, बहुत काम आते हैं, इन्हें सारी चीज़ें पता है, आपका बहुत समय बचेगा। तो ये स्पेशल टिप मेरी तरफ से आज के दिन की या इस ट्रिप की, ये स्पेशल ट्रिप। अब आ गए हैं हम वापस उसी कल के ठिकाने पर जहाँ पे मन्नतें मांगी जाती है और कि अपना एक नया घर हो। और अब हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, ये भी एक रास्ता है जिसका नाम है कंप भूप मार्ग करके इसे बोला जाता है। दिखाता हूँ आपको, ये है कंप भूप मार्ग। तैरना मना है इस पानी में। ये तुंगभद्रा नदी है और यहाँ पास ही में एक रेलवे स्टेशन भी है, तुंगभद्रा रेलवे स्टेशन। एक बहुत फेमस डैम है तुंगभद्रा पर पास ही में। ये जो स्टेयरकेस और ये जो रास्ता है, ये भी उसी ज़माने का है। सिर्फ इसको थोड़ा सा रिपेयर किया गया है। इन पत्थरों का साइज देखिए, इंसान कितने छोटे लगते हैं। वाह, सुबह के वक्त बहुत ही सुहाना दिखता है सब। अब आगे चलते हैं। अब हम जाएंगे पत्थरों के नीचे से। वाओ, ये फील बहुत बढ़िया आता है कि पत्थरों के नीचे से जाना, इतने बड़े बड़े पत्थर। लेकिन डरेगा मत, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि ये पत्थर कभी भी गिरेंगे नहीं, ऐसा नहीं होता है।
ये सामने आया बोटिंग का पॉइंट, और सामने दिख रहा है श्री राम जी का मंदिर जिसके बारे में कल हमने बात की थी। ये है नीचे वाला पोर्शन, इसके अंदर वाले पोर्शन में हम लोग बैठेंगे। यहाँ पे सूखने के लिए रखे हुए हैं और इसमें अब हम पानी में उतरेंगे इसमें बैठ के। वहाँ से के अंदर लेके जा रहे हैं पानी में, देखते कैसे वो अंदर डालते हैं। वाव, और उसके अंदर हम लोग बैठने वाले हैं अब एक घंटे के लिए, और कुछ मॉन्यूमेंट्स देखने के लिए जाएंगे उसमें बैठ के। लाइफ जैकेट पहनना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, उसके बिना आप अंदर नहीं जा सकते। ये सेफ है तो अंदर जाना सेफ है, दिखने में थोड़ा डेंजर लगता है लेकिन ये बिल्कुल डेंजर नहीं है, सेफ है। आप ज़रूर इसमें बैठिएगा, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। जय श्री राम। मैं किधर बैठूं? इधर ना, और वन बन इधर इन भाई ने ना आ रहे हो नहीं नहीं अरे आप कम ये शोइंग इनको पता है क्या क्या है? मालूम है। अच्छा, इतने छोटे से पॉइंट पर वो स्टोन ऐसा लगता है कि हाथों से रखा गया है, लेकिन नहीं, ये पूरा नेचुरल फॉर्मेशन है। कुछ भी ऐसे हाथों से ये स्ट्रक्चर्स अगर छोड़े तो कोई भी स्टोन किसी के ऊपर भी हाथों से रखा गया नहीं है या रैंपिंग करके नहीं रखा गया, ये पूरा नेचुरल है। ये हमारे आज के इस बोटिंग के गाइड है, इनका नाम है विरूपाक्ष जी। यहाँ पर एक विरूपाक्ष करके एक बहुत सुंदर मंदिर भी है शंकर भगवान का, लेकिन इन्होंने अभी ये इन्फॉर्मेशन दी है जो मंडप जो सामने दिख रहा है ना, ये पूरे आराम करने का जो कक्ष या जो यात्री आते हैं उनके लिए जो कक्ष पुराने ज़माने में बनाया गया था वो भी पानी के अंदर जाता है जब अगस्त महीने में यहाँ पे डैम से पानी छोड़ा जाता है तुंगभद्रा डैम से। मेरा एक वीडियो है निगोज के रंजन खड़गे, पॉट होल्स निगोज के, तो वैसे ही पॉट होल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, और जब अगस्त महीने में बहुत पानी यहाँ पर आ जाता है तो ये सारे पत्थर पानी के अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे वर्लपूल यानी जिसको भंवरे बोलते हैं ना पानी के, वो यहाँ पर हो जाते हैं और ये उन्हीं का नतीजा है ये सारे पॉट होल्स जो दिख रहे हैं पत्थरों में। ये दोनों तीर जोड़ता हुआ एक पत्थर का ब्रिज हुआ करता था पुराने ज़माने में, पता नहीं अब कहाँ है, शायद पानी के नीचे गिरा होगा वो पत्थर अंदर रहेंगे, लेकिन सोचिए अगर आज ये ब्रिज होता तो कितना अच्छा लगता ना, लेकिन फिर उसके पार नहीं जा पाते थे हम लोग। मेडिटेशन सेंटर यानी मेडिटेशन जो अपनी संस्कृति है, अपना योगा जो संस्कृति है हिंदुओं की, वो उस वक्त भी बहुत इम्पोर्टेंट समझी जाती थी। कोरैकल इसको बोलते हैं, कोरैकल यानी एक तरीके का बोटिंग है, ये पुराने स्टाइल का पुराने ज़माने का स्टाइल का बोटिंग है, बहुत सेफ है, और ये एक्सपीरियंस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा हर एक ने लेना ही चाहिए। 750 रुपये पर हेड होता है ये जनरली, लेकिन ये हर साल इसका टेंडर निकलता है तो प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो क्योंकि अगस्त महीने में जब पानी बढ़ता है तो यहाँ पर बोटिंग अलाउड नहीं होता, तो अगस्त में आने का थोड़ा सा आप अवॉइड ही कीजिएगा। वो 1001 शिवलिंग है, अब वो देखने के लिए हम लोग जाने वाले हैं। 1001 शिवलिंग इस नदी के तीर पर, क्या सोच के किया होगा ना ये। 575 स्टेप्स है उस हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए, और कहा जाता है कि वो हनुमान जी का बर्थ प्लेस है, जन्म स्थान है, और रामायण में अगर आप देखोगे तो हम्पी के बारे में बात की गई है रामायण में कि सुग्रीव जी और भगवान राम यहाँ पर मिले थे। ये है सूर्य नारायण का मंदिर, अंदर एक मूर्ति भी है लेकिन उसका अब पूजन नहीं किया जाता है क्योंकि वो खंडित हो गई है, उसको थोड़ा सा नष्ट करने की कोशिश की गई है तो यहाँ पर पूजा नहीं होती। ये पानी कितना डीप रहेगा? सर इधर है ना, 40 फीट रहते, 30 फीट रहते, 50 फीट, अलग अलग डीप रहते सर। अच्छा, ऐसे देखो सर, दो नंदी है सर इधर ऊपर। ओहो, नंदी के सामने के पिलर गिरे हुए दिख रहे हैं, नंदी के सामने एक मंडप हुआ करता था, दो नंदी है,
ये जो बड़े नंदी दिख रहे हैं उनके राइट साइड पर देखिए छोटे से एक नंदी दिख रहे हैं। अब एक मंदिर में हम लोग आए हैं। ये लक्ष्मी जी की मूर्ति है, बहुत ही प्यारी मूर्ति। ये नष्ट करने की कोशिश की गई है तो इसकी पूजा नहीं होती। वाव, बहुत ही सुंदर। और जो भी पूजा करने के लिए आते हैं उनका स्वागत ये बाकी की मूर्तियां करती है, ऐसा कहा जाता है। इधर भी देखो लक्ष्मी टेंपल एंट्रेंस में गजलक्ष्मी रहते सर। ओ बराबर, यस। यहाँ पर भी नीचे मूर्ति। और अब इस संकरे रास्ते से हम लोग जाएंगे उनके पीछे 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 पीछे। इधर भी मूर्ति है सर। अरे शो का मूर्ति है, हर जगह पे मूर्तियां है, हर जगह पर मूर्तियां। जब भी आप यहाँ पे चलोगे तो थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। सर इधर पहले मंदिर बना था ना, ज्यादा लोग आंध्र से आए थे सर, आंध्र लोग, तेलुगु लोग। सभी मंदिर तेलुगु लोग बना दिया सर, आधा तेलुगु आधा तमिल बना दिया सर। इधर भी मूर्ति है सर, ऐसे आके देखो। ओहो वाव, कितनी सुंदर मूर्तियां है। यहाँ पर भी इस बड़े पत्थर पर भी एक शिवलिंग, क्या बात है। ये सारे गिरे हुए पत्थर है मंदिर के, तो इसलिए ये ऐसे पड़े हुए है। ऐसे जाना पड़ेगा, तो अब मैं वैसे ही जाऊंगा। अरे ये तो हम लोग बचपन में खेला करते थे ना स्लाइड गार्डन में, वैसे लग रहा है। और ये जो सारे पत्थर है ये स्मूथ है, तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपके शूज़ अगर है, देखिए ये इतने चिकने पत्थर और इसी में स्टेयरकेस की गई है, अगर आपको यहाँ पर आना है तो या तो चप्पल और जूते निकाल के यहाँ पे चलिए, या फिर आपके जूतों को अच्छा एक सोल होना चाहिए, ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, रबर सोल बेटर, पीवीसी मत लीजिए, पीवीसी सोल के। एक और शिवलिंग तोड़ा गया है, बहुत गंदी मेंटेलिटी है जिन्होंने इसको तोड़ा है। और देखिए ये क्या मिला, इतने सारे शिवलिंग, इसके बारे में अब हमें विरूपाक्ष जी बोलेंगे क्या है ये। हाँ जी सर, ये शिवलिंग है ना 101 शिवलिंग है सर, ये शिवलिंग है ना 108 शिवलिंग है सर, यानी ये 100 है 101, और वो जो सामने दिख रहे हैं 1008 1008 माय गॉड सर, कोटिलिंगा बोलते सर, क्योंकि कोटिलिंगा बोलेगा ना, पहले इधर ज्यादा मंकी रहते थे सर, मंकी कोती कन्नड़ में कोती बोलते सर, ये सब भी कोटिलिंगा बोलते थे सर, अभी है ना हमारे लोग कोटिलिंगा बोलते, ये बोले ना पूजा होते 1 ईयर का टाइम एक बार शिवरात्रि टाइम में पूजा करेगा सर। क्या बात है, यहाँ पर भी दो शिवलिंग थोड़े से साइज में बड़े हैं, और छोटे 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 आप आजू बाजू में शिवलिंग देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। हम अब ऐसे पॉइंट पर खड़े हैं कि जहाँ से आपको हम दिखाएंगे 360 डिग्री व्यू। ये जो सामने 1 2 3 जो मंडप दिख रहे हैं वो मेडिटेशन के मंडप है, और ये सामने ये विष्णु जी के दशावतार है। पत्थर तो देखिए कितना बड़ा है,
सामने दिख रहा है वो स्पॉट जहाँ से हमने बोटिंग शुरू की कोराकल में, और वो मंडप श्री राम जी का मंदिर, सामने मेडिटेशन का एक पॉइंट, नंदी दिख रहे हैं दो यहाँ पर, ये देखिए ये सामने नंदी। अनंत पद्मनाभम विष्णु जी की मूर्ति बहुत सुंदर है। पुराने ज़माने में अगर ये इतना बड़ा पत्थर तोड़ना है तो ये कैसे तोड़ा जाता था, तो ये यहाँ पर ऐसे पत्थरों में ये छन्नी हथौड़े से होल किए जाते थे और फिर उसमें पानी भरा जाता था और उसके बाद अंदर लकड़ी डाल के उसको वापस वहाँ पे मारा जाता था हथौड़े से, और ऐसे करके ये पत्थर तोड़ा करते थे। देखिए पुराने कुछ डिज़ाइंस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे जो उन्होंने शुरुआत की थी पत्थर तोड़ने के लिए, लेकिन पूरे तोड़े हुए नहीं है। और वहाँ पर नीचे एक वो वाला गोल देखिए तोड़ा गया है, साइड में आप उसके मार्किंग्स देख सकते हैं, वहाँ पर भी सामने मार्किंग्स देख सकते हैं कैसे तोड़ा गया है। तो ये जो है लाइन ना, ये उसी की है, शायद ये तोड़ना शुरू करने वाले थे लेकिन कुछ वजह से नहीं तोड़ा गया, इस तरीके से कटिंग किया गया है। अब चलते हैं वापस एक बार अपने कोराकल में, इस तरीके से थोड़ा सा आपको संभल के जाना पड़ेगा। अंदर 1 2 3 अब जाएंगे हम इस गुफा के अंदर से, ये जो बड़ा पत्थर है ना इसके नीचे से अब हम लोग जाने वाले हैं। ये एक नेचुरली फॉर्म हुई एक गुफा है, छोटी सी गुफा बोल सकते हैं उसको, अब वहाँ पर हम जाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ा सा और नीचे होना पड़ेगा, नहीं तो क्या है टक्कर। चलिए फिर चलते हैं अब उस गुफा के अंदर। वो भी बहुत संभल के लेते हैं, उन्हें पता है एक्सपर्ट होते हैं तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ओहो वाव, पत्थर के नीचे है अब, और यहाँ से हम लोग अब जाएंगे बाहर, जहाँ से हम लोग अंदर आए हैं वहीं से वापस बाहर जाएंगे, क्योंकि दूसरी साइड से बाहर जाने के लिए रास्ता है नहीं। रास्ता है लेकिन वो थोड़ा सा छोटा सा रास्ता है, उसमें से ये कोराकल नहीं जा सकती। ओहो व्हाट अ व्यू, व्हाट अ फील, अंदर बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर धूप नहीं थी, ठंडा लग रहा था बहुत। वाह, ये पीछे जाके आए, अब चलते हैं आगे। बहुत ठंडा ठंडा है, पीने की इच्छा होती है लेकिन पीना नहीं है ये पानी कभी। तुंगभद्रा नदी, इतनी पावन नदी है यहाँ पर। कितना बड़ा पत्थर है ना वो यार, क्या फील है, वाव। यहाँ से उतरने का मन नहीं कर रहा है, एक काम करते दिन भर इधर ही घूमते रहते कोराकल में। चक्कर आ रही है? नहीं मुझे नहीं, ये थी। चलो ओ अच्छा, आप कहाँ पर जाना है? वापस। अच्छा वापस जाना है, एक घंटा हो गया यार। चलो दोस्तों वापस चलते हैं अब वहाँ पर, और तब तक थोड़ी सी नींद निकल लगता हूँ मैं यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बताओ, बहुत अच्छा फील है। याद रखिएगा मेरी आज की टिप नंबर 2,
कि ये राइड मिस मत करना। ऐसा लग रहा है कि हम लोग उस जमाने में पहुंच गए हैं। ये एक टू वे स्कल्पचर आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर हम आपको एक शिल्प दिखा रहे हैं जो कि 5-in-1 है। यहाँ की मूर्ति है पंढरपुर में। कैलकुलेट करिए ये पेड़ कितना पुराना होगा। रॉयल इंक्लोजर, उसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं। इतना बड़ा ये एरिया है, ओपन म्यूजियम है, पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर। देखने जा रहे हैं अंडरग्राउंड टेम्पल। यहाँ से बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हम लोग देख सकते हैं। इस कुएं से लिफ्ट से लेकर पानी इस महल के ऊपर जाता था। बहुत ज़्यादा भीड़ हुआ करती थी यहाँ पर। ये एक्चुअली एक तरीके का इंडिकेटर है। शॉवर सिस्टम भी है। ये देखिए सामने ये होल दिख रहा है। देखिए ये पूरा पत्थर में, ग्रेनाइट में किया गया है।